बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मुक्त करने के लिए। इतने साल का संबंध रहा, बहुत अच्छा रहा। मेरी सब शुभकामनाएं आप लोग को है। मैं फिर से कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते मुझे मुक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजय आलोक जेडीयू के तेज तर्रार प्रवक्ता थे। जी हाँ, अब है नहीं, क्योंकि आज ही जो है उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। दो दिन पहले ही लगभग जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक पत्र जारी किया था और कहा था कि कोई भी पार्टी विरोधी काम नहीं करे नहीं तो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। और दो दिन भी नहीं गुजरे, जेडीयू के तेज तर्रार प्रवक्ता, पूर्व जेडीयू के तेज तर्रार प्रवक्ता अजय आलोक समेत चार नेता कुल मिलाकर, जिनमें अनिल कुमार हैं, विपिन यादव हैं, जितेंद्र नीरज हैं, इन सभी को पार्टी से बाहर कर दिया गया। हालांकि उसके बाद अजय आलोक ने बकायदा जो है जेडीयू पर तंज करते हुए कहा कि बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके बाद उमेश कुशवाहा ने जो है कुछ बातें कही हैं, जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और पूरा जो है कारण बताया है कि क्यों उन चारों नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा, फिर बात करते हैं। कुछ पदाधिकारी द्वारा पार्टी के अनुशासन को उल्लंघन किया जा रहा है। किसी भी पार्टी का, राजनीतिक दल का अस्तित्व अनुशासन से होता है, और बार बार किसी के द्वारा अनुशासन तोड़ना और पार्टी की मर्यादा को बार बार तोड़ा जाना, इस परिस्थिति में पार्टी को सख्ती से कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ती है। अभी कुछ जिला से कुछ पदाधिकारी द्वारा सूचना मिल रही थी, कुछ पदाधिकारी पार्टी के विपरीत गतिविधियों के समानांतर कार्यक्रम तय कर अदा किया जा रहा था, जिसको लेकर, जिससे पार्टी के पदाधिकारियों के बीच भ्रम की स्थिति हर स्तर पर पैदा हो गई थी। इस परिस्थिति में पार्टी को, अनुशासन को कायम रखने के लिए इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। आज पार्टी के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार, प्रदेश महासचिव विपिन यादव, प्रदेश प्रवक्ता अजय आलोक को पार्टी के पद से मुक्त करते हुए उन्हें प्राथमिकी सदस्य भी निलंबित किया जाता है। साथ ही साथ जो भंग समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री जितेंद्र नीरज को भी पार्टी के प्राथमिकी सदस्य निलंबित किया जाता है। ऐसा निर्णय पार्टी की मजबूती के लिए और पार्टी में अनुशासन कायम रखने के लिए किया गया है। तो साफ तौर पे इन सारे नेताओं पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है, और अनुशासनहीनता का मतलब ये समझ जाइए कि जो भी आरसीपी सिंह के खेमे में है, आरसीपी सिंह का समर्थन कर रहा है, वो पार्टी में अनुशासन के साथ खिलवाड़ कर रहा है और उस पर कार्रवाई होगी। और ये पहली घटना नहीं है। जब से ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से आप याद कर लीजिए जेडीयू कार्यालय का पोस्टर विवाद क्या कुछ हुआ था। उसके बाद याद करिए कि जब जनता दरबार लगा था जेडीयू कार्यालय में, उस वक्त जो है जब मंत्री लोग पहुंचे थे तो पीछे में नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की तस्वीर थी। तब ललन सिंह के समर्थकों ने यह कहा था कि जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उनकी तस्वीर थी, तो अब जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो पीछे में नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह की तस्वीर होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, वहां पर सिर्फ और सिर्फ उस तस्वीर को हटा दिया गया, लेकिन उसकी जगह जो है वो सिर्फ जो है नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई। उसके बाद क्या हुआ, आपको पता होगा, जो मुख्यालय के प्रभारी थे, दो बड़े अधिकारी जेडीयू कार्यालय, उनको निलंबित कर दिया गया,
उसके आईटी सेल के जो प्रदेश अध्यक्ष थे और एक लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की जो आरसीपी सिंह के करीबी रहे और एक एक करके सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आरसीपी सिंह ने कहा कि जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमने कई प्रकोष्ठ बनाया और ललंग सिंह ने उन तमाम प्रकोष्ठों को खत्म कर दिया, क्योंकि ये कहा जाता है कि आरसीपी सिंह ने अपने लोगों को उन तमाम प्रकोष्ठों पर जो है तैनात कर दिया था, लेकिन ललन सिंह ने उस तमाम प्रकोष्ठ को ही खत्म कर दिया, उस पर जितने आरसीपी सिंह के करीबी थे उस पद को ही खत्म कर दिया और एक बार फिर से चार नेताओं पर कार्रवाई हुई है और ये चारों नेता जो है वो आरसीपी सिंह के खेमे के बताए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर जेडीयू में आरसीपी सिंह कैंप और ललन सिंह कैंप के बीच जो है कहीं ना कहीं जंग होता हुआ दिख रहा है और ये पूरी बाजी जो है वो ललन सिंह के हाथ में है। इस वक्त ललन सिंह जो है वो फ्रंट से खेल रहे हैं और आरसीपी सिंह जो है वो अभी डिफेंसिव मोड में है, लेकिन क्या अगर इस तरीके से लड़ाई चलती रही तो आने वाले वक्त में जेडीयू का बंटाधार हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहे NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।